हेलो गाइस, वेलकम टू राय मैथ क्लासेस एंड वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स एंड लुक एट द बोर्ड। आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ डेरिवेटिव लेसन नंबर 6। ओके, तो आज हम लोग शुरू करने वाले डेरिवेटिव का लेसन नंबर 6, जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड दीज क्वेश्चंस बिलोंग्स टू एनसीईआरटी एंड एज वेल एज आर डी शर्मा। क्लियर? ये मेरे पास क्वेश्चंस जो हम लोग यहां से आज सॉल्व करने वाले हैं वो क्या करेंगे, हम लोग आर डी शर्मा एज वेल एज एनसीईआरटी, तो बोथ है एरिया से हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉपिक को जो चूज करेंगे, क्वेश्चन चूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सम डेरिवेटिव्स, है ना, विच आर वेरी यूजफुल्स, विच आर वेरी यूजफुल्स फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, सम रिजल्ट हमारे पास होते हैं जिसका यूज हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि डेरिवेटिव का जो है फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, तो आपको पता है कि अगर कोई मेरे पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो मैंने बोला था कि y में जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू x वो होता है डेरिवेटिव ऑफ y होता है। तो मैं लिखता क्या उसको, डी डी एक्स ऑफ y, अदरवाइज यू कैन राइट f डैश x, f डैश x, है ना, ऐसे, या डी डी एक्स ऑफ y लिखते हो आप, है ना। इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वाई होता है यानी कि चेंज इन, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसकी वैल्यू क्या होती थी मुझे पता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ये हमारा होता है फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि सबको पता है, ऑलरेडी यू नो दैट। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट some questions belongs to NCERT and R.D. Sharma. So now let's start and look at the board carefully. Look here, my dear students. Look here. A function y is equal to fx. A function y is equal to fx. मैं बोलूं इसको अगर मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है तो क्या इसका हो जाएगा, y is equal to क्या मिलेगा, f dash x मिलेगा। इसको हम y डैश भी कहते हैं और y डैश को आप ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी कि इनका मीनिंग क्या होता है भैया, डेरिवेटिव निकाला गया है विद रिस्पेक्ट टू x किसका, y का। ठीक है, ये तो मेरे पास हमने जो रिकॉल करवा दिया, एक बार और आपको रिवाइज करवा दिया ताकि आप जो है सेशन शुरू होने से पहले कुछ चीजों को जानते रहे जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। ये है मेरे पास, ये तो भैया होता है फर्स्ट प्रिंसिपल आप डेरिवेटिव का, ये सबको पता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड दिस प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, यू हैव लर्नड, है ना, बिफोर टू लेक्चर्स, ठीक है, बिफोर टू या थ्री लेक्चर्स। आगे देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक जो है क्या है ना, मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू log sin x, ओके, log sin x, यहां पे मेरे पास फंक्शन है। अगर मैं इसको क्या करूं, डेरिवेटिव चाहता हूं करना x के रिस्पेक्ट में, तो मुझे पता है कि log क्या होता है,
लॉग एक्स की वैल्यू क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है। ठीक है, यहां पे क्या है, एक्स जहां पर प्रेजेंट किया वहां पे एक फंक्शन आ गया साइन एक्स आ गया, ये क्या है? एक फंक्शन हो गया साइन एक्स हो गया लॉग के साथ। ठीक है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली क्या पता है कि वन डीडीएक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है। यहाँ पे गिवन क्या है कि मेरे पास लॉग साइन एक्स है, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे एक रूल फॉलो करता हूँ, उसका नाम होता है चैन रूल। क्या होता है? चैन रूल। एक्चुअली क्या है कि चैन रूल जो है क्लास 11th में आता है, नहीं है 12th में आता है। चैन रूल क्या होता है भैया? ये क्लास 11th में आता है। ठीक है, चलो मैं हल्का सा हिंदी कर देता हूँ, लेकिन हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा, क्योंकि क्लास 12th की जब मैथ पढ़ाऊंगा तो वहां भी आने वाले हैं डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, तो वहां पे तो बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई को मुझे अगर चैन रूल के साथ अगर फॉलो करना है तो क्या हो जाएगा, मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, डी डी एक्स ऑफ टी, ओके डी डी एक्स ऑफ टी, ऐसा लिखिए डी डी एक्स ऑफ टी इंटू बोलो डी वाई बाई डी टी, यानी डी डी टी ऑफ वाई, है ना? क्या ये मैं ऐसे रेंज को फॉलो कर सकता हूँ चेन रूल को? बोलो कोई समस्या यहाँ पर है क्या? अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि अगर यहाँ पे क्या है कि जो फंक्शन गिवन है आपका दिया गया है, जो फंक्शन मेरे पास गिवन है, अगर मैं इसको क्या सपोज कर लेता हूँ टी, क्या सपोज मैंने कर लिया इसको टी सपोज कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये लग बन जाएगा लॉग टी। और मैंने बता रखा है कि जो फंक्शन जिस वेरिएबल्स में होता है उसका डिफरेंशिएट उसी के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं। अगर कोई फंक्शन मेरे पास एक्स के वेरिएबल में है तो यानी डी डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन करना पड़ेगा ना। अगर मेरे पास कोई वेरिएबल जो टी के फॉर्मेट का है तो इसका मतलब डी डी टी ऑफ एफ टी के फॉर्मेट में अगर रहेगा तब हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। मतलब जिस वेरिएबल में फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे क्या लॉग टी आ गया है ना, लॉग टी आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी टी आप जो यहाँ पे लगाना पड़ेगा लॉग टी, मतलब कि इसका जो डिफरेंशिएट जब भी होगा यानी कि जब भी हम फाइंड करेंगे तो वो टी के रिस्पेक्ट में होगा। अगर आपने इसको टी सपोज किया है तो कभी कभी आप इसको यू भी सपोज कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी। इसका मतलब डी यू यानी कि यू के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस जो है सेक्शन में क्या लिखा गया है, अगर मैं इसको सपोज करूं मैं मान लेता हूं टी, तो ये बन जाएगा साइन एक्स इक्वल टू क्या बनेगा टी बनेगा, यानी कि साइन एक्स क्या बनेगा टी बनेगा। तो ऐसे केस में जो फंक्शन क्या हो गया लॉग जो साइन एक्स मेरे पास फंक्शन था वो क्या हो गया, वो हो जाता है लॉग टी, है ना? क्या हो गया वो लॉग टी हो गया। बोलो आसान लग रहा है, काफी इजी तो है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली है नहीं। मैं इसको अगर सिंपलीफाई करूं किसी और तरीके से तब भी तो कर सकता था, लेकिन यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट, जो फर्स्ट प्रिंसिपल अगर मेरे पास है अगर मैं उसके उससे सॉल्व करूं तब भी इसका आंसर स्योर आएगा, जो भी आ रहा होगा आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसमें। ठीक है, अच्छी बात। तो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो जिसको मैंने टी सपोज किया ना, इसको मैं क्या करता हूँ कि वन सेकेंड में क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है मेरे पास साइन एक्स है, ये है टी। अगर मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करूंगा तभी कुछ इसका रिजल्ट मिलेगा, है ना? तो करता क्या हूं कि जो फंक्शन था मेरे पास x, जो मैंने सपोज किया था sin x इक्वल टू t, इसी को वन सेकेंड में क्या करूं यहीं पे विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर दूं, इसको डेरिवेटिव इसका फाइंड कर दूं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा अगर यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या मिलेगा, x मिलेगा। ओके, अब यहां पे क्या होने वाला, देखो तो यहाँ मुझे पता है DDT, अगर DDX आप sin x के बारे में बात करूं तो मुझे सबको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये cos x होती है, आपने फाइंड करके रखा पहले से, इसके बारे में आपको पता है। मैंने क्या किया था, मैंने फाइंड आउट किया था डेरिवेटिव ऑफ sin x यूजिंग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, इट इज क्लियर। यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन मेरे पास टी था,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, बहुत सारे तो करना पड़ेगा ना यहाँ पे। एंड डीडीएक्स आप क्या करेंगे यहाँ पे, टी कर देंगे। बोलो अब यहाँ पे क्या मिल गया मेरे पास, मुझे मिला डीडीटी, आप क्या मिला डीडीएक्स, आप क्या मिल गया टीए मिल गया। ठीक है, अब करता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास एक फंक्शन था डीडीएक्स करके था, लॉग साइन एक्स था यहाँ पे, ठीक है क्लियर। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया डीडीटी ऑफ लॉग टी के फॉर्मेट में इनटू, मैंने कैसे कहा था यहाँ पे क्या लिखना होता है, डीडीएक्स ऑफ टी। ठीक है, बोलो यहाँ पे क्या मिलेगा, डीडीटी आप क्या मिलेगा यहाँ पर, बोलो। अगर मैं जो है सपोज जो मैंने किया साइन एक्स को, अगर मैंने टी सपोज किया था, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मिलेगा कॉस एक्स, यहाँ मिल जाएगा डीडीएक्स ऑफ टी। इसमें कोई दिक्कत किसी को है क्या? तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे करने वाली बात यह है कि अब मैं करता ये हूं कि जो यहाँ पे जो मैंने फंक्शन टी लिया था वो क्या था, मेरा फंक्शन साइन एक्स था कि नहीं, बोलो क्लियर है। तो ये क्या लिखूंगा, और मुझे पता है कि अगर लॉग टी का जो टी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना है ना, तो क्या इसकी वैल्यू आती है, वन अपॉन टी, वन अपॉन टी। अगर इसके रिस्पेक्ट में होगा तो इसका वैल्यू क्या मिलेगी, वन अपॉन एक्स मिल जाएगी, क्लियर। क्या मिलेगी, वन अपॉन एक्स मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा, वन अपॉन टी मिलेगा इन टू डी डी एक्स ऑफ टी। टी मैंने क्या सपोज किया है फंक्शन को, साइन मैंने सपोज कर लिया है, और साइन की वैल्यू क्या निकल के आ गई, आ गई थी यहाँ पे, निकल के आ गई थी कॉस एक्स। या सिंपली अगर इसी की रिस्पेक्ट, अगर इसकी वैल्यू मैंने फाइन यहाँ से कर दिया तो क्या मिल गया, कॉस एक्स मिलेगा। जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। तो क्या मुझे मिलेगा, वन अपॉन टी इंटू कॉस एक्स, इंटू कॉस एक्स, और टी मैंने क्या सपोज करके रखा है, साइन एक्स है ना। तो वैल्यू क्या मुझे मिल गई, कॉस बाई साइन, यानी कि मिल गया कॉट एक्स, मुझे मिल गया क्या मिल गया, कॉट एक्स मिल गया। यानी कि ये था यूजिंग बाई चेन रूल से, क्या था, यूजिंग बाई चेन रूल से मैंने सॉल्व करके बताया। तो इसका आंसर क्या निकल गया, मुझे कॉट एक्स आ गया। कैसे आया, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि वाई इज इक्वल टू, मेरे पास फंक्शन है वो लॉग साइन एक्स के फॉर्मेट का है, कोई दिक्कत नहीं भाई है ना, मुझे क्या समस्या हो सकती है। तो मैंने क्या किया, लेट साइन एक्स इक्वल टू, मैंने क्या लेट कर लिया टी सपोज कर लिया, तो ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, अब मैं यूज करता हूं यहां पे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यस वी गेट। तो क्या मुझे मिलेगा, देखो यहां मुझे मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, क्लियर। मैंने क्या सपोज किया था, डी डी एक्स ऑफ लॉग, अब मैंने साइन को मैंने क्या सपोज किया टी, तो यहाँ पे टी मिल जाएगा। लेकिन अगर टी मैंने सपोज किया तो फिर यहाँ पे क्या करूंगा, चेन रूल जो मेरे पास होता है, क्या होता है मतलब चेन रूल का मतलब क्या होता है, जिसको आप क्या करो एक्सपेंड कर दो अदर अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डीडीटी करता हूं क्या, ये मिलेगा, इसको ब्रेक करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, ये ऐसा कुछ मिल सकता है इंटरफेस मुझे, बोलो भाई। यहाँ पे ऐसे देखो इसको, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ वी सी डेट, अगर मैं देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ से हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, तो क्या मुझे बचेगा, सीधा सीधा ये बचेगा जो लिखा गया था यहाँ पे। मतलब क्या किया, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया इस फॉर्म में, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल ला दिया टी, और टी मैंने यहाँ पे जब इंक्लूड किया तो मैंने ऐसे इसको एक्सपेंड कर दिया। हालांकि ये दोनों सेम ही तो है, लिखने का तरीका क्या, दोनों का सेम ही है, लेकिन ये लिखने का तरीका इसका अलग है। यानी कि इसमें टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल्स टी जो था एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया उसमें, ठीक है। तो इसी उसी हिसाब से यहाँ पे काम करेंगे। तब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है वो है कि अगर मैं इसको जो है सपोज करता होगा टी मैंने सपोज किया तो ये क्या बनेगा, बोलो भाई क्या बनने वाला, देखो यहाँ पर ये बन जाएगा इस तरीके से, कुछ ऐसे बनेगा, लॉग टी बन जाएगा। और मुझे पता ये है कि अगर लॉग टी आपने फंक्शन लिया है, इसका मतलब जब भी इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे आप, तो ये
विद रिस्पेक्ट टू किसके होना चाहिए भैया, टी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, टी के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, टी के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। हो गया, तो अब क्या करना चाहिए मुझे, यहां पे देखिए जो मैं टी सपोज किया हूं, अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं तो क्या मुझे मिल जाएगा, मुझे मिलेगा cos x, मुझे मिल जाएगा इधर, मिल जाएगा मुझे dx of t, मुझे मिल जाएगा ऐसे कुछ मिलेगा। ठीक है, बात समझे आप। चलिए तब यहां पे क्या करता हूं, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो अगर मैंने इसको लिखा है t, तो क्या मुझे मिलेगा ये डी डी, पहले इसको ऐसे लिखेंगे आप, फिर मुझे पता है कि अगर इस फंक्शन को टी लिखा गया है टी के फॉर्मेट का, तो इसका मतलब जो डिफरेंशिएट होगा एक्स के रिस्पेक्ट में कभी होगा नहीं। यहां भी क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना है, बाय चेन रूल से क्या लिखना पड़ेगा, डी टी ऑफ लॉग टी, बोलो इनटू डी डी ये क्या था मेरे पास, ये फंक्शन ही था मेरा y था ना, y को मैंने इतना सपोज कर लिया, यानी कि y इक्वल टू हो गया मेरे पास कितना, ये सिंपली log t हो गया। ठीक है, मैं अगर सोचू 1 मिनट के लिए, तो फिर यहाँ पे है क्या डी डी टी ऑफ y है यहाँ पे ना, क्लियर है ना, वही चीज यहाँ पे हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि चेन रूल मैंने क्या किया, इसको इससे मैंने ब्रेक कर दिया, तो मैं आगे क्या लिखने वाला हूँ, देखो आगे क्या मिलेगा, इसका जब मैं फाइंड, इसका जब निकालूंगा डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिलेगा मुझे 1/t मुझे मिलेगा, यहां पे फाइंड आउट हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी, मैंने क्या सपोज करके रखा है साइन एक्स को, तो क्या इसका आंसर मिल गया 1/t इंटू कॉस एक्स, और 1/t मीन कितना है साइन एक्स है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ गई 1/sin x into cos x equal to क्या मिल गया cot x मिल गया। बोलो कोई समस्या किसी को, यहाँ पे क्या था कि चैन रूल मैंने सीखा हल्का सा, कि चैन रूल होता क्या है, कि चैन रूल के मतलब क्या होता है कि किसी मतलब किसी भी फंक्शन को अगर अलग से मतलब एक वेरिएबल और चूज करना हो वहां पे, तो फिर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं चैन रूल के फॉर्म में। देखिए मैंने बोला कि यहाँ पे, चलो मैंने क्या बोला कि मेरे पास u आ गया, एक फंक्शन आ गया, तो क्या बनेगा डी डी, क्या बनेगा डी डी यू आप किसको लेना पड़ेगा यहाँ पे, बोलो भैया, यानी कि जो मैंने सपोज किया यहाँ पे ना, तो यहाँ पे क्या बनाऊंगा, देखो ऐसे बनाऊंगा इसको, इस तरीके से लिखा जाएगा इनटू डी यू बाई डी वाई, बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। यहाँ पे क्या था कि अगर मैं सिंपली अगर बात करूं, यहाँ पे जो फंक्शन था वो क्या था, इस प्रकार से जो कि u था, और मैंने क्या कि इसको मैंने u सपोज कर लिया था, यानी कि देखो सिंपली बात, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, इसी फंक्शन को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे ऐसे मिलेगा कुछ समथिंग दैट, ये मिलेगा, मिला ना। यहाँ पे क्या था, यही तो था आपके पास, यही क्या था, यानी कि y इक्वल टू क्या था, ये जो है समथिंग दैट क्या था, यानी कि log क्या था यहाँ पे t था, क्या था log t था, यहाँ पे क्यों लिख दिया मैंने भाई गलती से, चलो भाई हो गया, तो ये क्या था मेरे पास log t था, यानी कि ये मेरे पास जो आ गया सिंपली, जब मैंने इसको t सपोज किया तो मैंने सिंपली ऐसे लिख दिया मैंने, तो मैंने बताया था कि इसको क्या करना पड़ेगा आपको t के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा देखो ये इतना मिलेगा। हालांकि मैंने क्या लिखा था, यानी कि इसको मैंने पहले कर दिया था, इसको मैंने बाद में कर दिया था, बात एक ही है ना, देखो क्या है बात एक ही यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चैन रूल हो गया, तो चैन रूल से अगर सॉल्व करना चाहूंगा तो मतलब वहां पे क्या होगा, जब टू फंक्शन वहां पे मतलब एक्स के, यानी कि जो एक्स के वेरिएबल्स में एक अदर फंक्शन अगर किसी भी फंक्शन में अगर एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे हम चैन रूल फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या करता हूँ वहां पे चैन रूल फाइंड कर देता हूँ, यानी कि अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है ना, तो यानी कि फंक्शन में जो भी वैल्यू हो उसके साथ वनली एक्स जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो वनली एक्स हो, लेकिन यहाँ पे लॉग एक्स तो है नहीं, लॉग साइन एक्स हो गया है ना, इसका मतलब यहाँ पे चैन रूल मुझे फॉलो करना पड़ेगा, तो ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं चैन रूल जो है जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे देखिए मेरे पास फंक्शन हो गया साइन टू एक्स हो गया,
क्या हो गया साइन 2x हो गया मेरे पास, है ये y इक्वल टू, मैं क्या करूंगा यहाँ पे साइन 2x है तो मुझे पता है कि डीडी विद रिस्पेक्ट टू, अगर मुझे x निकालना है डेरिवेटिव इसका साइन x, इसका क्या बोला गया डेरिवेटिव जो निकालो फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर दो, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना वी सी डेट यहाँ पे x तो है नहीं बोल ना, यहाँ पे क्या है यहाँ पे 2x है, तो मुझे बताया गया जो भी यहाँ वेरिएबल होगा उसी के फॉर्मेट का यहाँ भी फंक्शन होना चाहिए, यहाँ भी फंक्शन, यहाँ पे हम निकालते हैं डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ फंक्शन है किसके रिस्पेक्ट में 2x के रिस्पेक्ट में दिखा गया ना, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा इसी 2x को क्या सपोज कर लेंगे हम लोग, टी सपोज कर लेंगे, क्या सपोज कर लेंगे 2x इक्वल टू क्या सपोज कर लेंगे हम लोग इसको टी सपोज कर लेंगे, तो क्या बनेगा मेरे पास फंक्शन, तो बनेगा डी डी एक्स ऑफ जो वाई मेरे पास ये था क्लियरली क्या बन गया, ये बना डी डी ऑफ डी डी एक्स ऑफ, पहले इसको ऐसे लिख दो तो साइन टी बन जाएगा इस तरीके से बना ना, अब इसको हम क्या करूँ बाई चैनल से अगर एक्सपेंड करूंगा तो क्या मिलेगा, मैंने बताया था कि जो फंक्शन जिस वेरिएबल में होगा उसका डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे टी हमको पुट करना ही पड़ेगा, अगर आपने टी स्ट्रा लाया तो फिर इसका मतलब डी टी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा स्ट्रा जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू कितना डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत क्या, यही मेरे पास क्या था वाई था अंतिम, वाई क्या हो गया वाई हो गया कन्वर्ट हो गया साइन टी हो गया, कब व्हेन लेट 2x इक्वल टू क्या मैंने सपोज किया t, ठीक है ये मुझे मिल गया, अब मुझे पता है कि sin t का जो क्या होता है भैया cos t होता है बोलो, और ये ddx का क्या है t, t मैंने क्या सपोज करके रखा है 2x सपोज करके रखा है, और 2 यहाँ पे हो जाता है भैया कांस्टेंट वैल्यू, 2 जाएगा बाहर और ddx आप x क्या निकलने वाला 1, यानी कि यहाँ मिल गया मेरे पास 2 into 1 यानी इट मींस दैट 1 आ गया, और यहाँ पे क्या भैया into है cos t, तो मेरे पास आंसर क्या मिल गया कि cos 2x into 2, लो ये मेरे पास फाइंड आउट हो गया क्या मिल गया 2 cos 2x मुझे मिल गया, ठीक है ये क्या इसका आंसर आ गया 2 cos 2x। अच्छा अगर मैं क्या करूं इसी फंक्शन को मैं ऐसे ब्रेक करता हूं, सपोज करो y इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं उसको ब्रेक कर देता हूं sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x होता है, यहाँ भी क्या करोगे आप इसी वैल्यूज को कैसे फाइंड करोगे आप यूज कर देना भैया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, जब मुझे पता होता है नहीं कि प्रोडक्ट ऑफ टू डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो क्या होता है मेरे पास डी डी एक्स ऑफ वाई, टू बाहर चला जाएगा सिंपल सी बात क्या लिखा जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बोलो कॉस एक्स हो गया, ठीक है मुझे क्या सिखाया गया था, मुझे सिखाया गया था कि भैया फर्स्ट फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव क्या मिलेगा बताओ भैया, माइनस होता है साइन एक्स होता है यहाँ पर, ठीक है ना मुझे पता है कि डीडीएक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है ये होता है मेरे पास माइनस साइन एक्स, है ना यू हैव प्रूव इट, ओके चलिए आगे देखिए फिर क्या होता है फॉर्मूले में प्लस करते हैं लिखते हैं सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो क्या मुझे मिलने वाला है यहाँ पे देखो यहाँ मुझे क्या मिलने वाला है यानी कि इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा कॉस एक्स मुझे मिल जाएगा, क्या मुझे मिल गया भैया कॉस एक्स मिल गया, देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव मैंने फाइंड किया तो क्या मिला नेगेटिव साइन एक्स मिल गया, यहां से मुझे मिला क्या मुझे मिल गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यू नो डेट आप जानते हो कि कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है साइन कॉस के रिस्पेक्ट में, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है और क्या क्या इसके होते हैं देखो 1 माइनस होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 होता है, यानी ये भी होता है ये भी होता है, यानी कि जब इसको मान ली कॉस में कन्वर्ट कर दोगे या मान ली साइन में कन्वर्ट कर दोगे तो ये बनेगा, अदरवाइज आपके ये होता है इसका मतलब ये वैल्यू क्या निकल के आ गई 2 कॉस 2x आ गई, बोलो भाई तो क्या जो मैंने इसको जो फाइंड मैंने किया प्रोडक्ट ऑफ मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का मैंने फॉर्मेट यहाँ पे यूज किया तो क्या यही आंसर आ गया, और मैंने यहाँ पे क्या किया बाय द चेन रूल से मैंने सॉल्व किया तो क्या मिल गया तो ये मिल गया, तो यहाँ पे इजी कौन लगा इजी लगा आपको चेन रूल, तो जो चेन रूल मेरा है ना ये सबसे आसान होता है, बस इसको क्या करना ब्रेक करना होता है कुछ पार्ट्स में तो आराम से इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है चलिए चेन रूल से मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाता हूँ और मैं कुछ कुछ सॉल्व करवाता हूँ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस एंड डेरिवेटिव ऑफ
डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, डिवीजन ऑफ अ फंक्शन मतलब जब डिवाइड में फंक्शन हो है ना, और जब कैसे है मल्टीप्लाई में फंक्शन हो, मतलब फंक्शन आपका हो जाए तो कैसे डेरिवेटिव करते हैं। तो मैं इन सब पे जो क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाला हूँ तो बहुत मजा आने वाला है। चलो मेरे पास एक क्वेश्चन हो गया, सपोज करो ऐसे कुछ निकल गया, गया साइन साइन 3x प्लस लॉग लॉग कॉस एक्स मैंने किया। लुक माय डियर, मुझे पता है लॉगरिथमिक, मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है, देखो यहां पे लॉग एक्स स्क्वायर अगर लिखा तो करेंगे इसको हम लोग यहाँ पावर को टू यहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, बिल बनता है मेरे पास टू लॉग एक्स बनता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें क्या, मतलब लॉग अगर मेरे पास है और एम एक्स की पावर अगर एम यहाँ पर है तो यहाँ पे लिखते हैं एम टाइम्स लॉग एक्स, लिखते हैं नहीं लिखते हैं बोलो। तो चलो चलता मेरे पास अगर कोई लॉग एक्स के फॉर्म में ऐसा कोई फंक्शन दे दिया कि लिखने के लॉग कॉस एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ कि इसको लॉग वन अपान सेक एक्स, कोई तब समस्या किसी को नहीं ना। अगर मैं इसको सेक एक्स को क्या करूं अगर ऊपर ले जाऊंगा लेके तो फिर क्या बनेगा, ये पावर बनेगी मेरे पास कितनी भैया माइनस वन बन जाएगी पावर, यहाँ पे नहीं बनेगी कोई समस्या किसी को, यहाँ बन गया लॉग इतना बन गया। अगर मैं इस पावर को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो क्या बनेगा माइनस लॉग sec x। तो यहाँ पे क्या सीखा आपने कि इसकी जगह इसकी जो इसकी प्लेस पे अगर एक जो है वैल्यू मैंने अगर cos के फॉर्म में लिखा तो क्या लिखूंगा यहाँ पर log माइनस log sec x, इट मींस दैट दोनों वैल्यू सेम ही है, दोनों वैल्यू क्या आपकी सेम ही तो है ना। चलो भाई यहाँ पे क्या करता हूँ इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ। देखो दोनों अगर फंक्शन अगर आ गए चाहे अभी कभी ऐसा कुछ निकल के आ गया या ऐसा निकल के आ गया तो बात एक ही है, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा है ना, जो भी दिक्कत होगी आपको यहाँ पे देखना ही है। आगे देखिए यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ इसको, चलो सपोज करता हूँ y, मुझे लगाना है यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मैं क्या सपोज करने वाला हूँ यहाँ पे इसको t सपोज कर लूंगा, यहाँ पे इसको आप सपोज कर लीजिए भैया t और इसको सपोज कर लिए भैया आप जो है u है ना। अभी तो है नहीं एक ही वेरिएबल यूज करोगे है ना, यूज भी कर सकते हो कोई दिक्कत वहां पर नहीं, लेकिन थोड़ा सा है ना अलग अलग रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो क्या बनेगा मैं बोलता हूँ यहाँ पे, चलो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के फॉर्मेट में क्या करता हूँ इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो क्या मिलेगा डी डी एक्स ऑफ यू मिलेगा, ये तो आप जानते हो इधर से इसको ऐसे लिखा जाता है ठीक है। यहाँ पे जब टी सपोज करोगे तो क्या मिलेगा, पहले आप क्या करोगे इसको ऐसे लिखोगे प्लस, जब यहाँ मैंने क्या किया इसको भी मैंने क्या सपोज कर लिया यू, तो क्या मुझे मिल गया लॉग यू मुझे मिल गया, कोई समस्या यहाँ पे नहीं ना। चलो मैंने क्या सिखाया था कि अगर मेरे पास t फंक्शन है इसका मतलब t के रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी हम लोग डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो डिफरेंस कभी होगा नहीं, मतलब जो फंक्शन जिस फंक्शन में हो जिस वेरिएबल्स की फॉर्म में हो उस फंक्शन का डेरिवेशन डेरिवेटिव क्या करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं ना। टी है टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, जब टी यहाँ पे शिफ्ट किया तो मतलब टी भी यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टी को मतलब यहाँ पे जो सेम यानी कि पूरे जो है ओवर वैल्यूज को इतना करना है ना इसके इक्वल करना है, तो कैसे बनेगा मैंने अगर स्टार टर्म से यहाँ पे टी लाया तो फिर यहाँ पे टी तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा डिवाइड तो करना पड़ेगा ऐसे एन पार्ट में लाना ही पड़ेगा, और इधर क्या मिल गया मेरे पास ये मिल गया ठीक है। आप देखिए प्लस ये इधर क्या है, मैंने बोला कि जो लॉग अगर यू है ना तो यहाँ पे यू का फंक्शन एम होना चाहिए, मतलब यू के रिस्पेक्ट में मुझे वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी जो भी होगा, और इनटू अगर यहाँ पे स्टार टर्म से अगर यू आया तो फिर यहाँ पे यू आएगा और यहाँ पे क्या बन गया भैया ये सेम वैल्यू आ गई ठीक है। अब चलिए बात करते हैं क्या मिलेगा, मिलेगा क्या मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी होती है cos t होती है ठीक है ओवरऑल। आगे देखिए इनटू क्या cos ddx ऑफ t, t मैंने क्या सपोज कर रखा है भैया यहाँ पे मैंने सपोज रखा है 3x प्लस dd u ऑफ, अच्छा इसको मैंने सॉल्व करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा वन अपॉन u मुझे मिलेगा, सबको पता ये चीज है सबको मालूम है ना। चलो इनटू देखो अब यहाँ पे क्या है कि ddx आप क्या लिखना पड़ेगा u, u क्या मैं सपोज किया था cos x, बोलो आसान है ना कितना मजा आ रहा है सॉल्व करने में ना। चलो यहां से क्या मुझे मिलने वाला
यहां से मुझे मिलने वाला देखो कॉस टी, टी मैंने क्या सपोज किया था 3x, यानी मिलेगा कॉस 3x मुझे मिल गया इनटू, अब यहां पे क्या है कि 3 तो बाहर चला जाएगा बेचारा, और ऐसे कितना होता है इसका होता है 1, यानी कि सब मिला के वैल्यू कितनी आ गई 3 cos 3x आ गई, कितनी आ गई 3 cos 3x आ गई, प्लस 1/u, u कितना मैंने सपोज किया था 1/u मींस क्या cos x, 1/cos x हो गया, और इनटू इसकी वैल्यू कितनी होती -sin x होती है, सबको पता है ना, अच्छी बात है। यहाँ पे इधर देखो तो क्या मिलेगा 3 times cos 3x मुझे मिल गया, और ये हो जाएगा नेगेटिव 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 पॉइंट नेगेटिव कर देगा इसको, ये बनेगा sin/cos, क्या होता है भैया 10 होता है, क्या होता है 10 होता है। इसका मतलब मुझे ये चीज और मुझे मालूम पड़ गई कि अगर देखो dd x ऑफ क्या मेरे पास है log cos x है, इसकी वैल्यू क्या होती है -10x होती है, क्या होती है -10x होती है, बात समझिए आप। अदरवाइज आप इसको लिखोगे ऐसे dx ऑफ माइनस अगर लॉग sec x हो गया, मैंने क्या सिखाया था कि मैंने इसी जो है sec cos को 1/sec लिखा था, ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसी कुछ वैल्यू अगर आ गई तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी भाई, यही मिलेगी, दोनों सेम फंक्शन है। इसका मतलब मुझे क्या मिला कि लॉग जो है ना, अगर मुझे दोनों साइड से मैं नेगेटिव साइड को क्या, नेगेटिव साइन को क्या करूं मैं, अगर यहाँ पे क्या कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड में, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बिल्कुल पॉजिटिव बन जाएगा, तो क्या बनेगा लॉग सेक एक्स इक्वल टू क्या मुझे मिल जाता है यहाँ पर 10x मुझे मिल जाता है, पता मिला कि नहीं मिला इस चीज वैल्यू। और मैंने इसके पहले क्या फाइंड किया था कि लॉग अगर मेरे पास अगर साइन एक्स अगर हो जाता है इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है मुझे कॉट एक्स, क्या मिलती है कॉट एक्स मिल जाती है। अब देख लो यहाँ पे log sin x की वैल्यू क्या होती है cot होती है, और log जो है sec की वैल्यू क्या होती है tan होती है, या log cos की वैल्यू क्या मिलेगी -10 मिलेगी, क्या मिलेगी -10 मिलेगी। अगर मैं इसी के रिस्पेक्ट की बात करूं तो क्या मिलेगा dx ऑफ log cos x, log ऑफ cos x तो क्या मिलेगा -10x मिल जाएगा। अगर इसको कास्ट को अगर कन्वर्ट करते हो सेक के फावे में तो ये आपको ये मिल जाएगा वैल्यू, पता है यहाँ मुझे क्या मिल गया, देखो यहाँ पे मुझे ये मिला कि मुझे जो है अलग अलग फंक्शन से मुझे मुझे फाइंड मैंने किया, और उसको मैंने क्या के डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे क्या मिल गया तो ये मुझे ये रिजल्ट मिल गया, एक तो मुझे ये मिल गया और ये भी मिल गया, ये कहने के मुझे यूज यूज होने वाले कहीं अगर आ गया तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या सिखाया चेन रूल होता है क्या, चेन रूल, तो मैंने क्या सिखाया किसी फंक्शन को अगर मतलब जिसके रिस्पेक्ट में अगर मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना हो वो फंक्शन उसी के वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए मस्ट बी, अगर नहीं है तो वहां पे क्या करेंगे उसको हम लोग टी सपोज कर लेंगे या यू सपोज कर लेते हैं एक वेरिएबल, और बस करते क्या है भैया इसको एक्सपेंड कर देते हैं किसको dd(x) ऑफ y को, है ना, इन वेरिएबल इन एक्स्ट्रा वेरिएबल जो मैंने सपोज किया था, यानी कि अगर इसको मैं सपोज करूं अगर मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल टी यहाँ पे लाना है अंदर तो क्या बनेगा, देखो ऐसे बनेगा इसका, बोलो कोई समस्या यहाँ पे किसी को है क्या, नहीं ना, काफी आसान है, इसका नाम होता है भैया चैन रूल होता है। अब इसको बहुत लॉन्ग भी बढ़ा सकते हो, यानी कि बहुत इसको भी और लॉन्ग कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो इसको भी और लॉन्ग कर सकते हो। चलो मेरे पास क्या आ गया यू और टी लेना है मेरे पास फंक्शन, इसी में मुझे क्या करना है इसी जो है चैन रूल में मुझे पास दो फंक्शन लेने एक साथ अगर, तो कैसे आप ब्रेक कर सकते हो देखो जरा यहाँ पे, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या, देखो करता हूँ एक बार dx ऑफ y, मुझे यहाँ पे क्या करना है एक वेरिएबल मुझे यू लाना है यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा यू, तो यानी कि ये बनेगा इतना, ठीक है ये बन गया मेरे पास इतना, ठीक है अब ये देखना है यहाँ पे डीडीटी ऑफ बोलो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, अगर आप चेक करो खुद से देखो ये इसी जाएगा ये इसी कटेगा क्या बचा ओवरऑल, ये मुझे मिल गया, इसका मतलब मुझे अगर एक वेरिएबल्स और अगर इसमें जो है मतलब इसमें लाना है तो क्या करूंगा, यानी अगर इसमें इसके अंदर वन वेरिएबल और इंक्लूड करना चाहूंगा तो क्या कर पाऊंगा, देखो मैंने क्या किया यू भी लाया और टी भी मैंने लाया, यानी दो वेरिएबल मैंने क्या किया एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या किया इंक्लूड कर दिया, तो कैसे बना देखो यहाँ पे रूल ऐसे बन गया चैनल बन गया देखो।
तो चैन रूल क्या होगा ना, मतलब चैन के फॉर्म में ऐसे जो ब्रेक होते 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 लॉन्ग चेन बनती जाएगी। तो ये कब होगा, जब मेरे पास कोई लॉन्ग फंक्शन हो अदर अदर वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया हो, तो वहां पे यू एंड टी सपोज कर सकते हो, है ना, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सिंपली क्या है, अभी भी आपके सिलेबस में इतना ही है, तो आप इसको इतना ही पढ़िए, ज्यादा मतलब पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये देखिए होता है मेरे पास चैन रूल होता है यहाँ पे, और यही मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे वेरिएबल होता है वो एक्स, उसको हम ले लेते हैं टी। ठीक है, यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शंस के फॉर्मेट की बात अगर हो तो कहेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तब यहाँ पे इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि काफी मजेदार क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है, इस सेशन से में। चलिए और मेरे हिसाब से ये जो आपका आज लास्ट सेशन रहेगा, इसके बाद ये हो जाएगा बिल्कुल खल्लास। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मेरी हेल्थ हल्के से थोड़ा सा डाउन है, इसीलिए जो है मैं थोड़ा सा फीलिंग अच्छी नहीं ला पा रहा हूँ, ठीक है, टीचिंग में, लेकिन फिर भी आप तो काम करना ही पड़ेगा, तो मैं इसको आज कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक फंक्शन दे दिया गया है, फंक्शन देखो है यक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई फोर ओके ओवर साइन एक्स, ओवर साइन एक्स। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन क्या एनसीईआरटी का है, अगर आप भाई पढ़ाई जो करते ही हो तो आप इसको ढूंढ सकते हो किसमें, अगर आप सॉल्व कर रहे हो डेली क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन दिखा होगा। ठीक है, चलो भाई इसको सॉल्व करना है मुझे, और मुझे कह रहा है भैया डेरिवेटिव फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, ये मेरे पास गिवन फंक्शन हो गया, तो मुझे पता है भैया कि जिस के रिस्पेक्ट में बात किया, यानी कि डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में मुझे फाइंड करना है ना, जिसके भी रिस्पेक्ट में वो फंक्शन वर्ली उसी के रिस्पेक्ट में लिखा होना चाहिए वहां पे। तो क्या अगर मेरे पास एक्स के रिस्पेक्ट में मुझे अगर इसको फाइंड करना है, तो क्या यहाँ पे जो फंक्शन है वर्ली एक्स के फॉर्मेट का है क्या? बिल्कुल है, यानी एक्स का अगर मल्टीपल तो कोई और है नहीं, ये तो नहीं ना कि यहाँ पे साइन लिख दिया गया 2x करके लिखा है, ऐसा है क्या? नहीं ना, क्या साइन जो है एक्स प्लस वाई के फॉर्म में लिखा? नहीं ना भाई, वर्ली क्या है, अभी वर्ली क्या है, वर्ली यहाँ पे क्या इंक्लूड है, एक्स है कि नहीं, है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, और मैं आपको बता रखा हूँ कि कभी भी अगर वेरिएबल है तो ठीक है, लेकिन अगर कभी भी ऐसी वैल्यू आ गई कि जो नॉट वेरिएबल है, यानी कि जो वेरिएबल ना हो, तो उसका वैल्यू क्या होगी, यानी कि मैं बोलूँ कॉस पाई बाई फोर को अगर मुझे फाइंड करना हो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के बारे में, तो क्या ख्याल आपका है इससे क्या आने वाला है भैया? जीरो आने वाला है। ठीक है, क्या आने वाला? जीरो। अगर आपने वैल्यू इसको लिख भी दिया 1/√2, तब भी क्या मिलेगा, ये वैल्यू जीरो मिलेगी, क्योंकि भैया ये क्या हो गया, फिक्स वैल्यू हो गई। तो मुझे पता है कि डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ये तो बात आप जानते हो। चलो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो क्या मुझे मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, क्या मुझे मिल गया यहाँ पे, देखो लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, मुझे मैंने पढ़ रखा है पहले से कि अगर मेरे पास फंक्शन है एन बाई डी के फॉर्मेट का ऐसे, तो मैंने कल लिखवाया था आपको फार्मूला क्या था कि डिनोमिनेटर्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एन पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ एन पार्ट माइनस माइनस एन पार्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डी पार्ट, ठीक है, ओवर जी एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि जो फंक्शन होगा नीचे वाला उसको मैं क्या कर दूंगा भैया, होल स्क्वायर कर दूंगा। चलो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये फार्मूला पता आपको है, कल आपने लिखा था फार्मूले को, ठीक है, याद रखिएगा। तो लिखूंगा यहाँ पे क्या, ये लिखा जाता है यहाँ पे क्या, देखो क्या मिलेगा फंक्शन यहाँ पे क्या, डी पार्ट वाला कितना है, डी पार्ट यानी कि जो डी पार्ट है वो कितना है, यानी डी पार्ट मैंने बता रखा है, डी मीन्स होता है भैया डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये साइन एक्स बन जाएगा, और एन पार्ट मतलब होता है न्यूमरेटर, ये क्या बनेगा मेरे पास यक्स स्क्वायर है, ये कॉस पाई बाई फोर है, मैंने पढ़ रखा है क्या होता है डी पार्ट, यानी कि डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर क्या होता है माइनस होता है, लिखते हैं फिर डेरिवेटिव
लिखते हैं कि न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ठीक ना। ये तुम्हें सब पता है कि भैया पहले होता है डिनोमिनेटर होता है, फिर कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर कह देते हैं, फिर होता है माइनस, फिर लिखते हैं यहाँ पे जो है न्यूमरेटर कहते हैं, फिर इंटू क्या हो जाता है भैया डीडीएक्स ऑफ साइन यानी कि डी पार्ट ठीक है। फिर क्या होता है ओवर में होता है, ओवर में जो जो वैल्यू जो डी पार्ट में होती है उसको हम लोग क्या करते हैं उस फंक्शन का स्क्वायर करते हैं ठीक है। अब हो गया तो कितना आसान था ये क्वेश्चन, कुछ नहीं यहाँ पे सॉल्व करो बराबर, क्या मिलेगा साइन एक्स मुझे मिल जाएगा, और यहाँ पे देखिए कॉस पाई बाई फोर मेरे पास वैल्यू है, ये दिस इज ए कॉन्स्टेंट यानी कि इसको हम क्या कर देंगे भैया बार शिफ्ट कर देंगे भैया। चले जाओ यहाँ पे देखो पावर क्या हुआ, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी 2 है, और यहाँ पे मुझे वैल्यू फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मुझे पता है क्या होगा पावर, अब पावर में वो लेस करेंगे तो क्या बनेगा 2x बन जाएगा। देखो कितना आसान है ये, तो मुझे इस सबको पता हो चुका होगा ना कि भैया यहाँ पे मैं क्या यूज कर दिया पावर एन वाला जो फॉर्मूला होता है एन टाइम्स एक्स पावर कितनी एन माइनस वन, यानी जो पावर यहाँ पे होगी उससे एक लेस यहाँ पे कर देंगे ठीक है। देखो तो मैं लेस किया तो क्या पावर बनेगी 1 बनेगी पावर, तो क्या बन गया सिंपली एक्स बना, अब पावर यहाँ पे 2 था पावर इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, एन मीन्स 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या बनेगा 1 बनेगा, तो आ गया आपके पास सिंपली ये। आगे देखिए यहाँ पे ये क्या है ओवरऑल आपको सिंपली से लिखना है क्योंकि ये तो आउटसाइड भेजा बाहर है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास कॉस एक्स बनेगा ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं ना। अब यहाँ बन गया मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स बना, अगर मैं इसको ब्रेक करूं क्या करूं इसको, अगर मैं क्या करूं डी पार्ट को मैं क्या करूं सेपरेट कर दूं इन बोथ टर्म्स में तो क्या मुझे बनेगा, देखो अगर यहाँ पे करूंगा तो क्या एक साइन से एक साइन जाएगा तो एक बचेगा, तो क्या मेरे पास बन गया देखो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2 हो जाएगी, इंटू मेरे पास कितना है 2 है एक्स है, और मैं अगर यहाँ डिवाइड करूंगा तो साइन स्क्वायर एक यहाँ गायब हो जाएगा, एक बचेगा मेरे पास बनेगा साइन एक्स बन जाएगा, माइनस क्या बनेगा यहाँ देखो लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर बनेगा, ये क्या बनेगा 1/√2 बना, कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या, अच्छी बात है कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, आसान तो है कोई दिक्कत। अब यहाँ पे मत कहना ऐसे जीरो क्यों नहीं किया भाई, यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे इंक्लूड एक्स स्क्वायर भी तो है तो अच्छी बात है यहाँ पे, तो क्या मिलेगा ये मिला और ये मेरे पास हो गया भैया कॉस एक्स, कॉस एक्स के साथ अगर जो एक गया साइन तो क्या बनेगा यहाँ पे कॉट एक्स बन जाएगा ऊपर, और एक एक्स्ट्रा बन जाएगा मेरे पास साइन एक्स यहाँ बन जाएगा इस तरीके से, बोलो ऐसा होगा कि नहीं आसान हुआ। चलो भैया यहाँ पे क्या करते था, यहाँ पे कुछ कॉमन में दिख रहा है क्या, मुझे कॉमन क्या दिख रहा है मेरे पास कॉमन दिख रहा है यहाँ पे देखो 1/√2 दिख रहा है कॉमन, और यहाँ पे एक्स कॉमन दिख रहा है इसका लिखेंगे यहाँ पे एक्स यानी 1/√2 एक्स, और साइन एक्स को मैंने अगेन क्या किया मैंने कॉमन कर लिया यहाँ पर, तो क्या बनेगा 1/√2 एक्स और 1/sin x, ये सब क्या काम हो गया, क्या मुझे बचा यहाँ बताओ क्या मुझे बचेगा, हालांकि देखो कुछ सिंप्लीफाई तो करना जरूरी है आप कर सकते हो है ना, जो भी आंसर आएगा तो आएगा ही, हालांकि आप यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ आपका सही है कोई दिक्कत यहाँ पे तो है नहीं। चलो और सिंप्लीफाई मैंने कर लिया तो क्या बुरा उसमें कर दिया, तो क्या बचे बचे गया देखो ऊपर से एक्स बन गया, क्या बना यहाँ पे एक्स 2 बचा यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या हो गया देखो ये कॉमन हो गया कि एक्स यहाँ पे ये भी कॉमन हो गया, क्या बचा एक्स क्या बच गया कॉट एक्स बच गया, कोई दिक्कत यहाँ पे बोलो है क्या, नहीं ना, इसको आप सॉल्व कर दो तो क्या बनेगा 1/√2 एक्स और 1/sin क्या होता है भैया कोसेक एक्स होता है, क्या होता है कोसेक एक्स, एक बन गया मेरे पास कितना 2 − x cot x ठीक है, बात समझ आपको आ गई, तो इसका मतलब दिस इज द फाइनल आंसर इसका हो गया कि इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, हालांकि ये इसका आंसर तो हो गया ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि ये जो n बाई डी के पार्ट में का कोई मतलब फंक्शन है तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। मैं बोलूं अगर आपसे क्या इस फंक्शन में कहीं भी आप चैन रूल फॉलो कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जिसके रिस्पेक्ट में बात किया गया वो फंक्शन जो है उसी रिस्पेक्ट में x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे ना तो 2x है ना तो 3x है ना तो कुछ और है ठीक है, यानी x के साथ एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है, ये चेक करते हैं क्या वेरिएबल जो x के साथ कुछ एक्स्ट्रा वहां पे तो ऐड तो नहीं है, वेरिएबल x के साथ क्या है वहां पे कुछ एक्स्ट्रा तो ऐड नहीं है, अगर एक्स्ट्रा अगर ऐड है तो सिंपल सी बात वहां पे तो भैया यूज करना पड़ेगा चैन रूल फॉलो करना पड़ेगा है ना, बात आपको आ रही है।
कभी कभी क्या किसी फंक्शन को हम जो है एक्सपेंड कर देते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक्सपेंड नहीं कर पाए तो क्या करेंगे वहां पे चेन रूल हमको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छी बात। यहाँ पे तो ये हमको सॉल्व करने में कितना मजा आया, आसान है ना। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप जो डेरिवेटिव कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा जो बुक में जो नहीं कर पाओगे, सारे क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, आप हलवा की तरह उसको खा जाओ, मतलब सॉल्व कर जाओ। ठीक है ना, तो काफी बहुत ही मजा आने वाला था चैप्टर में और आया भी, ये उम्मीद थी कि आएगा। ठीक है, तो मेरे पास एक फंक्शन और मैं ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है ना, फंक्शन जो लॉन्ग से मतलब नहीं है, फंक्शन लॉन्ग भी हो सकता है, कभी छोटा भी हो सकता है, कभी बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, चलो मेरे पास एक फंक्शन है e की पावर x है, log रूट x है, और ये क्या है log tan x है, क्या है tan x है। आप बताओ यहां पे क्या है, log है, अगर पावर को ऐसे ब्रेक करो तो क्या मुझे बनेगा, देखो इतना बन जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा टर्म तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ना, यहाँ पे चैनल फॉलो कर भी सकते हो, यानी कि अगर यहाँ पे यूज करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, इसको टी सपोज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि भैया विद रिस्पेक्ट टू एक्स में डिफाइन करना है, ना कि रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, हमको यहाँ फाइन करना डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फाइन करना किसमें है, विद रिस्पेक्ट टू ओनली एक्स नॉट रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ टी सपोज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैंने बताया ना कभी भी फंक्शन को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो फिर वहां पे हमको दिक्कतें नहीं होती है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई पहले कर लो, तो क्या बनेगा देखो, ये बनेगा e की पावर x बनेगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा log x की पावर क्या बनेगा 1/2 बन जाएगा, ये है मेरे पास tan x हो जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या मुझे मिलने वाला है कि e की पावर x मुझे मिलेगा, और मैंने बताया कि एक फॉर्मूले मिलने मालूम है कि अगर कोई लाग का टर्म्स है वहां पावर के फॉर्मेट में अगर उसकी कोई वैल्यूज अगर है तो हम क्या करते हैं उसको बाहर शिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे अगर लॉग है एम की पावर अगर एन है तो इसको लिखेंगे एन लॉग एम। अब इसको भी नोट कर लीजिए, हालांकि सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आसान होती हैं। अब एक काम करता हूँ, 1/2 को बाहर कर लेता हूँ और फंक्शन को कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट कर देता हूँ। भाई चलो भाई, अरेंजमेंट कर दिया फंक्शन को, देखो हो गया। अब हमको फाइंड करना है डेरिवेटिव, तो यहाँ पे देखो फंक्शन कितने 3 हैं, तो आप क्या करो 2 को एक साथ करो, 1 को अलग कर लो, फिर बाद में उसको फिर ब्रेक कर लेना। ठीक है, तो क्या मुझे मिलेगा, मुझे निकालना है dx, आप क्या ये तो भैया बाज लगे पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो, लिखता हूँ इससे पहले इसको ऐसे लिख लिया मैंने, क्या बन गया log x बना, फिर क्या बना log tan x मुझे बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे क्या करिए, किसी फंक्शन को आप दो मान लीजिए, एक काम करता हूँ ना, इसको मैं एक साथ कर लेता हूँ, इसको अलग कर लेता हूँ, यानी कि इसको मैंने माना फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड मैंने माना, आप जो चाहे वो कर सकते हो भाई, आंसर सेम आने वाला है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। ठीक है, चलो अब सॉल्व करता हूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पर है, ये तो भाई बाय टू बाहर रहेगा, बेचारा मौज कर रहा है बाहर, कोई दिक्कत इसको है नहीं। चलो मैंने क्या सिखा था, अगर मैं इसको मानता हूँ फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो भैया, मुझे पता है, तो आप जो ऐसे लिखो इसको, चलो क्या लिखते हैं हम लोग, हैं हम लोग करते हैं भैया फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक कहते हैं प्लस, फिर लिखते हैं हम लोग सेकंड फंक्शन, लिखते हैं वंस अगेन सेकंड फंक्शन, फिर होता है डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। कोई समस्या किसी को, फार्मूला सबको पता है कि प्रोडक्ट, अगर मुझे फाइंड करना हो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन तो क्या होता है। ठीक है, और इसी का नाम होता है भैया लेबनीज रूल होता है, लेबनीज रूल ने क्या बताया था भैया, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के बारे में उन्होंने बताया था, तो मैंने यहाँ पे देखो लिखवा दिया, कल मैंने सब लिखवाया था फार्मूले को, आज ये कोई नहीं पूछेगा सर आए कहाँ से, मैंने कल कहा था कि आपको रिवाइज करके आना है क्लास में, तभी अच्छा लगेगा ना पढ़ने में। आगे देखो e की पावर x हो गया यहाँ पे, और ये है मेरे पास log x हो जाता है इनटू, ये क्या है tan x का क्या होता है मेरे पास, रिस्पेक्ट में करेंगे x को तो क्या मिला डेरिवेटिव इसका sec स्क्वायर x होता है, ये सबको पता है, मैंने प्रूफ भी करवा चुका है, मैंने प्रूफ करवाया है ना कि लिखवाया सिर्फ, मैंने क्या किया था फर्स्ट फर्स्ट जो प्रिंसिपल से मैंने क्या किया था इसको प्रूफ किया था,
और मैंने फाइंड किया था इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, sec स्क्वायर x आ गई थी, है ना। आप जाओ लेक्चर नंबर 2 में देखना, सब मिल जाएगा आपको। आगे देखना यहाँ पे प्लस क्या मिलेगा, टेन यहाँ पे खुद ही है, पहले से एक्स्ट्रा है। आप देखो भाई इसको हम यहाँ पे कहते हैं और ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टू फंक्शन फिर से आ गए। क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन देखो कुछ नहीं है इनटू सेकंड का डेरिवेटिव बनेगा प्लस, बोलो भैया सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट डेरिवेटिव। और मुझे पता है कि dx ऑफ e टू द पावर x कितना होता है, सेम एज ही होता है, लिख लो, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, नहीं ना, आसान तो भाई। चलो भैया ये क्या हो गया, पूरा मैंने ब्रेक को यहाँ ब्रैकेट मैंने क्या किया, ब्रेक मतलब क्लोज कर दिया। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर, अब आगे सॉल्व करता हूँ, कितना आने वाला था आंसर इसका, मिलेगा 1/2। अब यहाँ पे सॉल्व करो फटाफट, तो क्या आने वाला, देखो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कितना, e की पावर x मुझे मिल गया, ये मुझे मिल गया log x sec स्क्वायर एक्स मुझे मिल गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। प्लस करो, अगर टेन को मैं अगर अंदर जो मैं शिफ्ट करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, देखो ये मुझे मिल जाएगा e की पावर एक्स, मुझे पहले कर लेना है ठीक है ना, फिर लिखना है यहाँ पे टेन एक्स ओवर एक्स कर लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलो हटाओ, फिर क्या मिलेगा यहाँ पे, मिल जाएगा मेरे पास कितना प्लस e की पावर एक्स मिलेगा फिर से, और ये मिलेगा मेरे पास लॉग एक्स टेन एक्स, क्या मुझे गया लॉग एक्स टेन एक्स, बस आपको आ रही है। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, कॉमन दिख रहा है मेरे पास 1/2 तो है ही कॉमन खुद ही, पहले से एक कॉमन और दिख रहा है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे क्या करो फटाफट इसको चेंज कर दो। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं आप बताइए, इसको लिख सकते हैं कितना, टू लॉग, अच्छा लॉग एक्स है नहीं पूरा मिलाकर, ठीक है हाँ सही है, क्या मिलेगा ये सिंपली ही मिलेगा लॉग एक्स सेक स्क्वायर एक्स मिल गया प्लस 1/x टेन एक्स मिल गया ठीक है, प्लस इसको आप चेक करो क्या मिलेगा लॉग एक्स टेन एक्स मुझे मिल जाएगा, बस इसका हो गया, दिस इज ए फाइनल आंसर हो गया, यही इसका आंसर आ गया भैया। क्या निकल के आ गया डेरिवेटिव, ये देखो निकल के पूरा आ गया, इसको मैंने सॉल्व किया। तो कुछ नहीं करना था कि मैंने क्या किया कि थ्री फंक्शन हो चाहे फोर फंक्शन हो, आप क्या करें दो दो को या तीन, मतलब फर्स्ट सेकंड आप सपोज कर लीजिए, फिर उसका ब्रेक करते जाओ, फिर देखो यहाँ पे टू फंक्शन मिल जाएंगे कहीं ना कहीं आके दोबारा, जब जब अगेन से मिलेंगे टू फंक्शन फिर उसको ब्रेक कर दो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, कितना आसान है ना। फिर मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया, जो आपने सीखा है ना मैंने वही पे ये हुई मैंने क्या किया सेम एज यहाँ पे अप्लाई कर दिया, बस कुछ नहीं करना था, आसान था कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत किसी को है क्या। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर सोल्यूशन से अगर आपको सॉल्व करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है किसी फंक्शन का, तो बिल्कुल केयरफुली इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली ठीक है, बस में आपको आ रही है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ उसके बाद हम लोग जो है क्लोज करता हूँ, क्योंकि आप जो सॉल्व खुद करेंगे क्वेश्चंस को और मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन दिक्कत करेगा ठीक है। तो मैं तो ऐसे सॉल्व आपको अगर चाहूंगा तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा ठीक है, तो मैं अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा तो फिर इससे क्या फायदा बताना मुझे, बोलो कोई है फायदा। यहाँ पे देखना मेरे पास एक क्वेश्चन और, एक्स की पावर 4 है 5 टाइम्स sin x माइनस 3 टाइम्स cos x। अब बताओ इसको अगर हमको करना हो फटाफट तो कैसे करेंगे, ये पावर 4 है ना, तो क्या करो पहले इसको ब्रेक कर लो, तो क्या मिलेगा एक्स पावर 4 मिलेगा, 5 है sin x मिलेगा, इसको 5 को बाहर कर लेना क्या दिक्कत है, तो क्या मिलेगा 5 टाइम्स x की पावर 4 है ये, है ना। क्या है माइनस कितना लिखा गया है 3 टाइम्स x की पावर 4 फिर मिलेगा, फिर क्या मिलेगा मेरे पास cos x मिलेगा, टू फंक्शन है और ये है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ठीक है ना। तो करना क्या भैया, देखो सॉल्व करता हूं मैं बहुत ही तेजी से, सबको पता है, सब लोग बोलेंगे प्यार से कितना आने वाला, देखो इसका आंसर पता है भाई, लुक हियर केयरफुली, यहाँ पे देखिए
हाय पहले भागा तो बाहर आया बड़ा क्या करेगा रहेगी। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिल गया, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या मिलेगा, 4 × पावर कितनी 1 लेस कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, इसको ब्रेक कर दो भैया, जो यहाँ पे लगा तो माइनस लगा तो 3, बाहर करो इनको आए बड़े क्या करेंगे रे कि यहाँ पे कोई फायदा यहाँ पे नहीं। क्या होता है कॉस का होता है निगेटिव होता है सारे, क्या बोलते हैं कॉस का निगेटिव होता है, आपको पता है कि डी डी एक्स ऑफ जो है कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, सबको मालूम है कि नहीं, मालूम होना चाहिए क्योंकि आपने प्रूफ करके रखा है पहले से ही, याद करने के बाद छोड़ो प्रूफ मैंने करवाया इसको ठीक ना। आगे देखो यहाँ पे फिर क्या होता है प्लस होता है ना, देखो सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव आप क्या डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा भैया फर्स्ट का, तो क्या मिलेगा और 3 मिली मिलेगी, तो कितना आसान है, मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया ना, बहुत सिंपलीफाई नहीं किया, मैंने डायरेक्टली कर दिया जो आपको पता है ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब करना क्या है इसको आप सिंपलीफाई करो, जो भी आंसर मिलेगा आपके पास है वो ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे तो है नहीं, आराम से आप काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये 5 है पावर 4, ये 3 पावर 4, हालांकि कोई भी टर्म्स यहाँ पे जो है लाइक टर्म्स नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन वॉमन ले सकते हो अलग बात है। अब देखो यहाँ पावर 4 को मैं एक साथ कर देगा, माइनस माइनस कर दे प्लस कर देगा क्या बनेगा, 3 × s की पावर 4 ये इतना बन गया, बोलो भाई है ना। अब क्यूब की पावर 7 करते क्या बनेगा, देखो 5 के साथ जब ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 5 × sin x, ये है 5 × 4 कितना होता है 20 होता है, कितना होता है 20 होता है, देखो 5 × 4 = 20 कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, क्या बनेगा x हो गया, फिर मिलेगा x³ मुझे मिल गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं किसी को ना। चलो भाई अब यहाँ पे देखो ये है माइनस, ये पॉजिटिव, क्या माइनस कर देगा 3 × 4 = 12 हो जाएगा x³, बोलो भाई, और cos x मुझे मिल जाएगा ठीक है। यहाँ पे भी क्या करो x³ पहले कर दो, क्या दिक्कत है ना, और यहाँ लिख दो भैया साइन x कर दो ठीक है। अब यहाँ काम वाम कुछ करना कर लो भैया आपकी मर्जी है ना, सॉल्व कर सकते हो अगर मन करे तो, ये क्या है बस सिंपली क्या है कि ये पावर ही काली को कॉमन आउट कर सकते हो, सिंपल है कुछ कर नहीं सकते, कोई यहाँ पे मामला नहीं दिख रहा है ना अलग से, तो यहाँ पे लेगा cos 5 × cos x प्लस 3 × sin x कर लेना इसको, ऐसे ब्रेक हो गया तो ये मिलेगा यहाँ, ये x³ कॉमन कर सकते हो बहुत करोगे तो, ये मिलेगा 20 × sin x माइनस 12 × cos x मिलेगा। हाँ ये जहां से भी ब्रेक अगर चाहते हो करना तो यहाँ पे 4 कॉमन कर ले तो क्या दिक्कत, कुछ फायदा मिलेगा क्या यहाँ पर, तो मिलेगा मेरे पास 6 मिल जाएगा, ये एक मुझे मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, बात समझे आपको, बस इसका आंसर हो गया, इसमें कुछ करना नहीं था आपको ठीक है, आसान है ना। तो कोई फंक्शन अगर आपको दिखता है डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर आपके हाथ में होंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हटके है, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अब डरना मत इस क्वेश्चन को देख के, मैंने बोला डरना मत क्योंकि कुछ लोग होंगे इसको देख के डर जाएंगे, अरे यार ये क्या हो गया, तो पावर सावर तो कुछ अलग ही आ गई इसकी, भाई पावर कुछ भी हो आपको जो रूल पता है उसको आप फॉलो करो बस, कुछ भी नहीं करना पाओ आप। ax प्लस बी की पावर कितनी है होल पावर n है इनटू cx प्लस d की होल पावर कितनी भैया n है। अब इसको मुझे लगता है भैया करना है भैया डेरिवेटिव, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये है आपके पास आरडी शर्मा की बुक में है ये ठीक है, और ये है 30.4 और ये क्वेश्चन नंबर होगा मेरे पास 26 है, क्या है 26 है। देखो मेरा क्या मतलब है ना, मेरा ये मेन मोटिव क्या है कि आपको सोल्यूशन देना है, समझाना मुझे है कि डेरिवेटिव फाइंड कैसे करते हैं, अब ये तो है नहीं कि मैं 1 बाय 1 सब सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन, यहाँ पे कर सकता हूँ कोई मुझे 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 ना तो मेरा कोई फायदा उससे होगा ना तो मेरा कोई नुकसान उससे होने वाला है,
लेकिन मुझे आप बताओ कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको कुछ सीखना है, तो आप क्या करोगे? कुछ तो होमवर्क तो करोगे आप ना, है ना? कुछ होमवर्क करो आप, श्योर हो जाओगे कि मुझे ये नहीं लगता कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। कोई भी डेरिवेटिव फाइंड करना हो, किसी फंक्शन डेरिवेटिव फाइंड करना हो, तो आप जो है उतना एलिजिबल हो चुके हो कि आप सॉल्व कर लोगे, उतना एबिलिटी है आपके अंदर, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे टू फंक्शन मेरे पास है, एक फर्स्ट इसको माना मैंने, इसको मैंने लिया सेकेंड। चलो यहाँ पे सिंपली काम करता हूँ फटाफट। अब ये लिखने वाला कि यहाँ पे ये लिखो, पहले ये वो लिखो, ठीक है। जो जो काम सीखा मैंने उसको मैंने किया। चलो भैया, मुझे क्या पता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं चैन रूल, है ना, आराम से यूज कर सकते हैं। इसको एक काम करते हैं, इसको मान लेता हूं टी, ठीक है, और इसको मान लेता हूं कितना भैया, यू। तो क्या बनेगा? चलो भैया, यहाँ पे दो दो फंक्शन मेरे पास हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे पहले से इसको लिख लो। पहले क्या बनेगा, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी, हाँ डी डी एक्स ऑफ, चलो फर्स्ट फंक्शन। देखो कैसे भी करो बात एक ही होती है, ठीक है। अब फंक्शन जो आपने पढ़ रखा है, इसे मैंने क्या लिखा, देखो पहले फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? जो मुझे पता है फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो मैंने आप फॉलो किया, इतना हो गया। अब चेक करते हैं यहां पर, इसमें कोई दिक्कत यहां पे है नहीं। तो मैंने क्या सिखाया था कि आपने लेट किया कर लिया इसको, आपने टी सपोज कर लिया, तो क्या बनेगा यहां पे? देखो हमने क्या सिखाया था, अगर टी सपोज करेंगे तो इसको भी टी सपोज करना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया जिसके रिस्पेक्ट में हमको वैल्यू फाइंड करनी होगी, डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, वो फंक्शन भी उसी रिस्पेक्ट में होना चाहिए। वो फंक्शन क्या होगा, उसी रिस्पेक्ट में होना चाहिए। यहाँ पे क्या मुझे मिल गया, एक एक काम करते हैं, यहाँ पे टी हुआ जो है क्यों सपोज करना, हाँ कर सकते हो, करो, करना है पड़ेगा, चलो ठीक है कर लेता हूँ। तो क्या मुझे मिलेगा, ये डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, आगे बताना यहाँ पे। तो मुझे पता है क्या मुझे मिलने वाला, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, टी की पावर मुझे एन मिल जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या? तो अगर मैं यहाँ पे भी अगर टी लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टी, ये हो जाएगा मेरे पास कितना भैया, डी डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ टी हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं ना। आगे देखो यहाँ पे फिर लिखेंगे सी टाइम्स एक्स और डी होल पावर एन, यहाँ पे फिर अगर हम इसको क्या मानते हैं, यू मैंने सपोज किया, क्या मैंने सपोज कर लिया इसको, इसको मैंने यू सपोज कर लिया, तो क्या मुझे मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा यू सपोज करूंगा तो इसको भी यू की फॉर्मेट में होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टार टर्म से यहाँ पे डी यू लगा देता हूँ, यहाँ पर यहाँ मुझे मिल जाएगा यू की पावर कितनी एन मिल जाएगी इन टू, अगर यहाँ पे यू आए तो फिर यहाँ भी आई वे करेगा, है ना, कहाँ जाएगा बेचारा वो। मतलब ले देखिए हमको बैलेंस करना है, सबको बैलेंस करके रखना, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे होनी चाहिए। आगे देखो ए एक्स प्लस बी है, कितनी पावर यहाँ पे है, एन है, हो गया। अब जब मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, एन टी की पावर क्या लिखना पड़ेगा, एन माइनस वन लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत है हमें किसी को नहीं। डी डी एक्स ऑफ टी मैंने क्या सपोज किया था, सी एक्स प्लस डी, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखो भैया आसान तो है, बहुत मजा आ रहा है ना, मजा तो खूब आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ पे प्लस साइन थोड़ा बड़ा कर लो, क्या बनेगा, सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, होल पावर क्या बनेगी, एन बनेगा, इससे क्या बनता है फॉर्मूला, बनेगा एन टाइम्स यू की पावर कितनी, एक कम कर देंगे एन से, तो क्या बनेगा ये इनटू, और देखो ये क्या है, डी डी एक्स ऑफ यू मैंने क्या सपोज किया है, ए एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं भाई, जिसको चाहो उसको सपोज कर सकते हो। चलो आगे देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी, अब यहाँ पे एन टी मैंने क्या सपोज कर रखा बताओ पहले, तो टी मुझे पास है, इसको एन को बाहर कर लो भैया यहाँ पर, और टी मुझे क्या माना है, मैंने सी एक्स प्लस डी है, और कितनी पावर दिख रही है यहाँ पे, बस एन माइनस वन पावर दिख रही है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है किसी को। चलो आगे देखो इन टू, अब मुझे पता है कि मेरे पास टू फंक्शन अगर समेशन के फॉर्मेट में मैंने कल सिखाया था, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं डेरिवेटिव के फॉर्मेट, क्या बनेगा, डी डी एक्स ऑफ बन जाएगा मेरे पास एफ एक्स बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, डी डी एक्स आप क्या बन जाएगा भैया, जी एक्स बन जाएगा यहाँ पे,
चलो यहाँ फॉलो करता हूँ, अगर मैं फर्स्ट में अप्लाई किया तो यहाँ पे सी क्या हो गया मेरे पास, सी हो जाता है मेरे पास भैया कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो सी बाहर आ जाएगा और dx क्या हो गया वन मिलेगा, यानी कि पहले का आ गया कितना भैया वन आ गया, यानी सी आ गया इनटू प्लस करके। अब चेक करता हूँ प्लस, देखो dx ऑफ d हो गया, d दिस इज ए कांस्टेंट, इसका क्या मिल गया जीरो मिल गया, इसको आप कुछ मत करो भैया जीरो लिख दो फटाफट यहाँ पर, ठीक है भाई कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। चलो अभी मत कहना सर कैसे आ गया, वो चेक कर लो यहाँ पे देख लो ये क्या मिलेगा सी आ गया और ये क्या मुझे मिल जाएगा जीरो मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर प्लस ये है सी एक्स प्लस डी है फोर पर, मैं कितनी एन हो गई यहाँ पे देखो, मैंने क्या सपोज किया एन, तो मैंने क्या कि एन को बाहर जरा कर लेते भैया, चलो ला जाओ तुम भी आ जाओ बेचारा, क्या करोगे अंदर रह के ना, क्या करेगा अंदर रह के बेचारा, कोई काम उसका नहीं है अभी तक के लिए, तो फिलहाल कोई काम नहीं है। यू क्या है, मैंने लिखा यू का ए एक्स प्लस बी है, ए आपके पास यू हो गया, और कितनी मुझे करनी पड़ेगी इतना, और इसको जब ब्रेक करेगा फिर तो क्या मुझे मिलेगा कि मुझे सिर्फ मिलेगा क्या ए खाई मिलेगा प्लस क्या मिलेगा जीरो मिल जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो ठीक है इनटू करके, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखो भैया सॉल्व करो बराबर क्या मिलेगा, देखो सब में क्या पावर दिखे तुम्हें, बाहर पावर यहाँ पे तुमको एन दिख रही है, एन सबको सॉरी एन यहाँ पे पावर नहीं है मतलब एक वैल्यू, मतलब वैल्यू है एन को बाहर करो भाई, हटा दो यहाँ से भगाओ यहाँ से इनको, आए बड़े क्या करेंगे रहे कि यहाँ पे है ना, अच्छी बात है। ये क्या है, अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो बताओ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सी एक्स प्लस डी को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ पावर में खामे से क्या होगा, सी एक्स प्लस डी की पावर एन डिवाइड बाई क्या, सी एक्स प्लस डी नहीं खामे लिख सकता, बताओ पहले कोई दिक्कत यहाँ पे क्या किसी को, मुझे पता है कि भैया बेस अगर इक्वल है तो पावर क्या होगा घट जाती है ना, बोलो कोई समस्या है क्या। तो देखो यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पावर एन कॉमन है, यहाँ पावर एन कॉमन है, यहाँ पावर एन कॉमन, यहाँ पावर एन कॉमन, इसका मतलब मुझे क्या मिल गया ए एक्स प्लस बी की जो पावर एन है ये कॉमन आउट है, और सी एक्स प्लस डी की पावर क्या है ये भी कॉमन आउट है, तो क्या मुझे मिलेगा देखो यहाँ पे साफ साफ देखना यहाँ पे क्लियर है। यहां से अगर पावर किया ही गया ये पावर देखो, मैंने इसको मैंने ऐसे लिखा तो ये क्या बनेगा वन अपॉन समथिंग बन जाएगा, देखो ऐसे कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना, आसान लग रहा है इनको, देखो तुम्हारा सी भी बेचारा है तो सी को यहाँ बैठा दो ऊपर है ना। चलो भैया ये बाहर चला गया, ये बाहर गया और ये बाहर गया, तो एक क्या बचेगा मेरे पास फंक्शन में, देखो ये बनेगा ए है तो इसके साथ खुद ही ए, और देखो जब मैं इसको जब ब्रेक करूंगा तो लिखूंगा बाबू यहाँ पे क्या ए एक्स प्लस बी की पावर एन कर दूंगा, अगर देखो डिवाइड कर दूंगा क्या इस तरीके से इसको ब्रेक कर दूंगा है ना, बोलो भैया जब पावर को आप जो है सॉल्व करोगे तो क्या मुझे मिलेगा, एन माइनस वन नहीं मिल जाएगा क्योंकि डिवीजन में क्या होता है पावर यहाँ पे माइनस कर देते हैं पावर को, तो क्या मुझे मिल गया नीचे ए एक्स प्लस बी मिल गया, कोई दिक्कत है क्या किसी को। अब आंसर इसको भी ला सकते हो, एलसीएम लोगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, एलसीएम लेने के बाद भी कोई मतलब कोई फायदा हमारा होने वाला तो है नहीं ठीक है, आप एलसीएम लोगे तो कोई फायदा यहाँ पे होने वाला है क्या, नहीं ना, तो एलसीएम लोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा इसके एलसीएम फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कुछ अलग मामला आ जाएगा ठीक है, तो कुछ अलग सिस्टम आ जाएगा उसमें है ना, तो यहाँ पे सॉल्व करने के क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे एलसीएम इसको मैंने लिए तो क्या बनेगा, जब देखते हैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, क्या बनेगा देखो सी एक्स बनेगा प्लस डी आ गया, ये देखो इतना बन गया, सॉल्व करते जाओ भाई क्या बनेगा देखो इस, अब ये तो जाएगा भैया ये इसका मल्टीप्लाई यहां भी कर देंगे क्या बनेगा ए सी एक्स एक साथ करेंगे किसके साथ बी करेंगे सी के साथ क्या बनेगा बी सी बन जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, फिर जिसको डिवाइड करेंगे तो यह नहीं डिवाइड हो गया ये बचेगा तो क्या बचेगा, चलो यहां पे करते हैं ए सी एक्स बनेगा क्या बन गया ए सी एक्स बन गया, फिर क्या बन गया प्लस एडी बन गया, क्या बन गया प्लस एडी बन गया। अब बताओ ये पावर वन वन है ना, अगर पावर को मेरे यहां पे मैंने फिट किया तो क्या बनेगा फिर से अगेन ये पावर क्या बन जाएगी एन, और देखो डिवीजन में क्या होता है पावर को माइनस करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, क्या बनेगा पावर एन माइनस वन बन जाएगी, यहाँ पे देखो फिर से ये क्या बन गया सी एक्स प्लस डी की पावर क्या बन गई एन माइनस वन बन गई, कोई समस्या है क्या।
अब आगे देखो, इनको तो मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, ये बच्चे जनाब अंदर वाले, तो क्या बनेगा देखो, अंदर अंदर ब्रेक कर दो, अंदर को क्या करो मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा देखो अंदर में, ए सी एक्स, ए सी एक्स क्या बन गया, टू ए सी एक्स बन गया। और देखो बी सी और ए डी में कोई काम यहाँ पे नहीं करेगा, सीधा सीधा बी सी प्लस ए डी कर दो। क्यों भैया, दिस इज द आंसर आ गया इसका, यानी कि ये मुझे मिल गया सॉल्व करने के बाद, यानी कि ये मेरे पास क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव निकल किसका आ गया, इसका आ गया। बताओ कोई समस्या यहाँ पर है क्या? चैन रूल मुझे पढ़ चुका था, मैंने पढ़ा दिया हल्का सा, कुछ था ही नहीं इसमें चैन रूल में। बस याद रखना कभी भी किसी अदर वेरिएबल को अगर उसमें इंक्लूड करना है तो कैसे लिखेंगे, मुझे टी अगर मुझे लिखना है, अगर इसमें टी मुझे लेके आना है तो क्या करूंगा, तो टी है तो टी मुझे लाना पड़ेगा, तो टी अगर लाऊंगा फंक्शन में तो फिर टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। और जब टी यहाँ पे अगर आया तो फिर यहाँ पे क्या था बोलो भैया, यहाँ पे क्या था वही चीज ना, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर डीटी आप क्या लिखना पड़ेगा देखो, ये वाई भाई, वाई के बाद टी मारा था मैंने ना, और फिर जब यहाँ पे टी सपोज किया तो फिर यहाँ पे टी लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ टी, मतलब ओवरऑल क्या यही तो लिखा गया है, बस कल इसको एक्सपेंड इस तरीके से कर दिया गया है। ठीक है, ये तरीका होता है, इसी का नाम होता है चैन रूल कहते हैं। वाई को मैंने यहाँ पे वाई किसके फॉर्मेट का रहेगा, टी के फॉर्मेट का रहेगा, और यहाँ पे टी किसके फॉर्मेट का रहेगा, एक्स के फॉर्मेट का रहेगा। क्यों? क्योंकि टी मैंने किसको सपोज किया था, जो एक्स का एक फंक्शन था कोई, ठीक है ना, यहाँ पे हम सिंपलीफाई कर लेंगे। और ये कब होगा, जब फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, क्या होता है जब फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पावर मैंने अगर यूज कर भी लिया तो ये इतना तो आ जाता है, चलो मैंने क्या किया, ये क्या होता है यहाँ पे पावर, फिर इसकी पावर एक कम कर देंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे मैंने क्या सिखाया था, जिसको जिस जो फंक्शन जिस फंक्शन का अगर जिसके रिस्पेक्ट में मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, उस फंक्शन में उसी डेरिवेटिव में फंक्शन होना चाहिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स अगर ऐड हुआ तो इसका मतलब वहां पे हमको फॉलो करना है चैन रूल। अब यहाँ पे क्या था, एक्स्ट्रा में क्या आ गया था, ए आ गया था यहाँ पे, यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या आ गया, सी आ गया था, तो यहाँ पे दिक्कत करेगा करेगा, सिंपल सी बात है ना, आसान था कि नहीं। अगर ये वनली एक्स की पावर अगर एन होता तो कोई